आप देख सकते हो, ये सच में टेस्टी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम खट्टा, थोड़ा सा मीठा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिताज किचन कॉर्नर। तो कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हो कच्चे आम का पापड़। आपने पके हुए आम का पापड़ तो बहुत सुना होगा, खाया भी होगा, लेकिन क्या आपने इस कच्चे आम का पापड़ खाया है? नहीं खाया है तो आज ट्राई करेंगे हम इस कच्चे आम का पापड़। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, लेट्स गो। सबसे पहले हम इस आम को वॉश कर देंगे। और अच्छी तरह से उसे पोंछ देंगे। अब हम इसके छिलके निकाल देंगे। सबसे पहले तो तो फ्रेंड्स, हमारे आम के छिलके निकल चुके हैं। अब हम इसे कट करेंगे। कच्चा आम खाना किस किस को पसंद है फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट में बताना। और हाँ प्लीज, आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हो फ्रेंड्स, ऐसा मत करो। मेरी वीडियो को देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, मेरी चैनल को लाइक कर दो, और हो सके तो शेयर भी कर दो थोड़ा, है ना। इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना है तो पीसने में आसानी रहे फ्रेंड्स। आप देख सकते हो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। अब हम इस सब को पीस देंगे। तो बस इस सारे टुकड़ों को हम इस मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसे मिक्सी जार में पीस देंगे। का जो आम के जो टुकड़े थे वो अब पीस चुके हैं। अब हम एक डिश में उसे निकाल देंगे। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, गैस एकदम स्लो रख देंगे फ्रेंड्स। जिरन है वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से पका लेंगे।
अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर देंगे और थोड़ी शुगर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे कांस्टेंट रूप से हिलाते रहेंगे चम्मच को, ताकि नीचे चौटे ना। बस हमें जैसे थिकनेस चाहिए वैसे ही आ गई है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो उसमें डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन उससे क्या है कलर डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये कलर ऐड कर देंगे ग्रीन कलर, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा ये पल्प बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे बंद कर देंगे। फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक डिश ले लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा घी लगा देंगे और अच्छी तरह से उसका ग्रीस कर देंगे, ताकि हम हमारा आम पापड़ चिपके ना और आसानी से निकल जाए। आप देख सकते हो अच्छी तरह से ग्रेस हो चुका है, अब हम पल्प इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, हमारा ये अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है, अब हम इसे धूप में एक दो दिन तक इसे सुखाने देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये कच्चा आम का पापड़ बिल्कुल तैयार है, 2 दिन तक मैंने इसे धूप में सुखाया था, बस अब हम इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ये आम के कैंडी, आम के गोले, कच्चे आम के, वो बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हो। ये सच में टेस्टी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम खट्टा थोड़ा सा मीठा, तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ अर्पिताज किचन कॉर्नर को सब्सक्राइब कर दीजिए।